हेलो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन दिया था. दिस क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड और यहाँ पे जो है दिस क्वेश्चन वाज मल्टी कॉन्सेप्चुअल. ओके, और क्या क्वेश्चन था? फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड जो है एक्स वाई प्लेन में है, टू पार्टिकल्स वर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली इन अपोजिट डायरेक्शन एज शोन. ओके, मीन्स सपोज दिस वन इज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये हमारा ओरिजिन है. यहाँ से दो पार्टिकल्स को हमने प्रोजेक्ट किया, वन इज पी वन एंड अदर वन इज पी टू इन अपोजिट डायरेक्शन. पी टू को हमने यू डैश से प्रोजेक्ट किया था, दिस एंगल वॉज थीटा, और पी वन को भी हमने यू से प्रोजेक्ट किया था, दिस एंगल इज वर्टिकल विथ थीटा. ओके, एंड लेफ्ट साइड सो एट दिस स्पेस इज ग्रेविटी फ्री, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो यहाँ कहीं भी हमें ग्रेविटी नहीं लेना है, तो ग्रेविटी को हमें इग्नोर करके चलना है, ग्रेविटी इज जीरो. ओके, मीन्स पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ग्रेविटी लेने का जरूरत नहीं है. ओके, नाउ व्हेन द फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल एक्वायर्स द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, जब इसने मैक्सिमम हाइट एक्वायर किया तो इट इंटर्स विद इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी नॉट गिवन है, दैट इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट. ओके, तो दिस वन वाज जेड कोऑर्डिनेट, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट गिवन था, और सामने हमारा ये वाई कोऑर्डिनेट है. दिस कोऑर्डिनेट इज व्हाट द वाई कोऑर्डिनेट इज, इट इज गिवन. तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलॉन्ग नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट, सेमी इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड है. द मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट गिवन. ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी नॉट गिवन था, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जब तक इसने हाइट एक्वायर नहीं किया तो मैग्नेटिक फील्ड का लेफ्ट साइड पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड इट इज डायरेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये दिया हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड हैज यूनिफॉर्म वैल्यू व्हाट, ई नॉट, इट इज अलॉन्ग द नेगेटिव जेड कोऑर्डिनेट, माइनस सी नॉट के आप दे रखा है, तो नेगेटिव जेड कोऑर्डिनेट नीचे हमारा नेगेटिव कोऑर्डिनेट है. ओके, मीन्स हाफ हाइट तक हमारा जब मैक्सिमम हाइट तक, हाफ रेंज तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बाद कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वी हैव मैग्नेटिक फील्ड. ओके, और लेफ्ट साइड पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है. अच्छा, एक चीज़ और दिया हुआ है, जो लेफ्ट साइड है वी हैव नो एयर रेजिस्टेंस, लेकिन ओरिजिन से मैग्नेटिक फील्ड तक वी हैव एयर रेजिस्टेंस अप टू द मैक्सिमम हाइट. तो अप टू द मैक्सिमम हाइट देखें, मैक्सिमम हाइट ये वाला पार्ट है, सिर्फ इस वाले पार्ट तक हमारा एयर रेजिस्टेंस गिवन है, एंड द वैल्यू ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज, एयर रेजिस्टेंस फोर्स का वैल्यू दे रखा है कितना, इट इज क्यू ई नॉट बाई 10, इट इज द वैल्यू ऑफ एयर रेजिस्टेंस. ओके, ये इंफॉर्मेशन गिवन है. ओके, अब ये बोला है कि बोथ द पार्टिकल्स हिट द ग्राउंड एट एनी पॉइंट एम, मान लीजिए कि ये पॉइंट M है, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली इसने M पॉइंट को हिट किया, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम दिया हुआ है T, ठीक है, तो ये तो आपका प्रॉपर प्रोजेक्टाइल मोशन है. ओके, और ये वाला भी पार्टिकल जो है उसी टाइम में यहाँ आके हिट करता है, तो इसके मोशन को अगर चेक करें तो हाफ इज प्रोजेक्टाइल, और मैक्सिमम हाइट पे दिस इंटर्स विद इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन. नाउ सी, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये ऐसा भी पॉसिबल था कि हाफ द मैक्सिमम हाइट एक्वायर करता तो किसी एंगल से एंटर करता ये, तो ये सर्कुलर आर्क ट्रेस करके बाहर आता, तो उस समय वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो जाता. तो थोड़ा क्वेश्चन को यहाँ सिंपल बनाया है. ओके, मैक्सिमम हाइट पे ये हॉरिजॉन्टली एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद विल बी ट्रेसिंग व्हाट, अ सेमी सर्कुलर पाथ, एक सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा इस तरीके से, जितनी स्पीड से एंटर किया उसी स्पीड से ये बाहर भी आएगा. ओके, वी स्पीड से बाहर आया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, तो इट इज पॉजिटिव एक्स एंड इट इज नेगेटिव एक्स. ओके, नाउ फर्दर मोशन देखें, अब यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा, दैट टाइम इज सपोज टी वन, हाफ सर्कल में इसने मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम लिया, टी टू, और फर्दर इट ट्रेसिस व्हाट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यही आके हिट करता है एम पे, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इसके लिए लिया हमने, इट हिट्स द ग्राउंड एट व्हाट टाइम, एट पॉइंट व्हाट, एम, ठीक है, तो दिस वन इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एयर रेजिस्टेंस इस मैक्सिमम हाइट तक है, इसके ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है. क्वेश्चन में अगर ये दिया होता कि एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट अप टू द मैक्सिमम हाइट एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल पी वन, तो मैक्सिमम हाइट क्या है, एच एंड आर प्लस आर, ठीक है, मान लीजिए कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल इज व्हाट, ही है आर, एंड दिस रेडियस इज ऑल्सो व्हाट, आर. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल ट्रेस किया है इसने, इट इज पाई,
ओके और जी मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड रिमेंस कांस्टेंट, आपको पता है पार्टिकल ट्रेसेस सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड एज नेट रेडियल फोर्स इज व्हाट जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम टी वन लिया, फिर इसने टाइम टी टू लिया और फिर ये प्रोजेक्टाइल में इसने पाथ में टाइम कितना लिया टी थ्री। ओके तो ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ओके तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन बोथ द पार्टिकल्स हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स हमारा टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री है। ओके तो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन वन। ओके अगर आप क्वेश्चन रीड करने के बाद इतना पार्ट पे आप वर्क कर ले रहे हो, इसका मतलब है कि आपका सॉल्यूशन 100% आएगा। फर्दर तो आपको कैलकुलेशन वर्क करना है। ओके कॉन्सेप्ट आपका आ गया, तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअली आपने जो है प्रॉब्लम को डिवाइड कर लिया है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी इज फॉर द सेकेंड प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्शन एंगल वी हैव थीटा, तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पे वी हैव इन प्लेस ऑफ जी वी हैव क्यू ई बाई एम, जी को किससे रिप्लेस करना है क्यू ई बाई एम से, अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो। लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो सी व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्रोजेक्टाइल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज क्यू ई, मास ऑफ द पार्टिकल इज एम, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन वैल्यू दैट इज फोर्स बाय मास, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई है, मास इज एम। तो जी को आप किससे रिप्लेस करेंगे क्यू ई बाई एम से, जब आपका एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो। ओके तो इन एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस वी हैव क्यू ई बाई एम इन प्लेस ऑफ जी, तो टी वी हैव टू, फॉर्मूला क्या है टू यू साइन थीटा बाई जी, तो टू यू डैश साइन थीटा बाई जी, इन प्लेस ऑफ जी वी हैव क्यू ई बाई एम, तो वी हैव द रिजल्ट व्हाट टू यू डैश एम साइन थीटा बाई क्यू ई। ओके इट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट द टाइम टी, इट इज इक्वेशन टू। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज फॉर द प्रोजेक्टाइल पी वन, ये तो हमारा प्रोजेक्टाइल पी टू के लिए, इट इज फॉर प्रोजेक्टाइल पी टू। अब पी वन के लिए हम आते हैं, तो प्रोजेक्टाइल पी वन ने फर्स्टली एयर रेजिस्टेंस में मैक्सिमम हाइट एक्वायर किया है, तो एयर रेजिस्टेंस यहाँ तक है मैक्सिमम हाइट एक्वायर करने तक, तो टाइम का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एयर रेजिस्टेंस में पार्टिकल मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, पार्टिकल इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके तो इस पर एक तो फोर्स लग रहा है क्यू ई, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मोशन जब आपका अपवर्ड है तो मोशन के अगेंस्ट हमारा रेजिस्टेंस फोर्स होता है। जब पार्टिकल नीचे आ रहा होता है तो अपवर्ड रेजिस्टेंस फोर्स होता है, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस फोर्स हमारा नीचे की तरफ होगा अगेंस्ट द मोशन। तो हियर इट इज क्यू ई बाई टेन, तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल, इसको हम एम ए वन लिखते हैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए। ओके दैट इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू ई बाई टेन, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए वन फॉर फर्स्ट पार्टिकल, ये तो सेकेंड पार्टिकल के लिए ए टू है, हियर जी is A2 that is equal to QE by M. So here it is 11 QE by 10 M. Okay. Ab maximum height pe vertical velocity of the projectile is what? Zero. So at the maximum height vertical velocity is zero. What is the, अच्छा यहाँ पे एक और थोड़ा सा बच्चे जल्दीबाजी में गलती करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और ऑप्शन अकॉर्डिंगली होगा। मैंने थीटा ये वाला लिया है विद वर्टिकल नॉट विद हॉरिजेंटल, तो बच्चे जो है जो फॉर्मूले रटते हैं वो हॉरिजेंटल के साथ थीटा रटते हैं, तो जल्दीबाजी में जो ये गलती करते हैं, तो आपको जो है कूल होके बिल्कुल जो है क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज व्हाट यू कॉस थीटा, एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज व्हाट u sin theta, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमें लेना है, दैट इज u cos theta into t1, यहाँ से यहाँ तक आने का मैक्सिमम हाइट तक टाइम t1 है। ओके एंड वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो, एंड माइनस 11 qe by 10 m into what it is u minus 80, you get the result of t1 now, so what is the value of t1, that is क्या हो जाएगा ये इस साइड आ गया हमारा, इट इज
11 QE by 10 m into T1 is equal to what? U cos theta, or you get the value of T1 is equal to 10 mu cos theta divided by what? 11 QE. It is the value of what? T1. Okay. तो ये हमारा इक्वेशन 3 है. नाउ वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट टी टू एज वेल एज व्हाट टी थ्री. अब उसके कैलकुलेशन पे हम आते हैं. ओके, टी वन का हमारे पास रिजल्ट आया, इट इज 10 एम यू कॉस थीटा बाई 11 क्यू ई. टी टू देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल ने है, सेमी इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड है, हाफ सर्कल ट्रेस किया है. ओके, टाइम टू ट्रेस द सेम सर्कुलर आर्क इज व्हाट? एम बाई क्यू बी इंटू थ्री. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आपने डिराइव किया हुआ है. तो थीटा वी हैव व्हाट? पाई विद इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इट इज पाई एम बाई क्यू बी. इट इज इक्वेशन 4. ओके, ये हमने फाइंड कर लिया. नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट द वैल्यू ऑफ टी थ्री. अब देखिए, एयर रेजिस्टेंस सिर्फ हमारा मैक्सिमम हाइट तक है, ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है. ओके, तो नाउ वी कम टू द कैलकुलेशन ऑफ दिस पार्ट. नाउ सी टी थ्री के कैलकुलेशन पे हम आते हैं. तो दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जितनी स्पीड से ये एंटर किया था उसी स्पीड से ये आउट हो रहा है. तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? नाउ इट इज सी टू आर प्लस एच. इट इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. नाउ ग्राउंड से इतनी हाइट पे है एंड हियर स्पीड वी हैव व्हाट? वी. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई हमारा फोर्स नहीं है, दैट्स व्हाई स्पीड अलोंग द हॉरिजॉन्टल रिमेंस कांस्टेंट. तो यहाँ v इज इक्वल टू व्हाट वी हैव? u साइन थीटा. ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो v इज इक्वल टू वी हैव u साइन थीटा. और ये यहाँ के हिट किया ग्राउंड को एट पॉइंट m. कितना टाइम लिया इसने? टी थ्री. ओके, तो वर्टिकल वेलोसिटी है नहीं, तो वी मे यूज द फॉर्मूला 2R plus H is equal to half and there is no resistance here. So that's why acceleration we have what? QE by M into T3 square, or we get T3 is equal to under root 2M by QE into 2R plus H. अब देखें, यहाँ हमारा R और H अभी अननोन है, तो वी विल हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू. टी टू का वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, दैट इज पी पाई एम बाई क्यू बी. ओके, तो वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? आर एज वेल एज एच. रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल आपको पता है, फॉर्मूला इज व्हाट? आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी. ये डेरिवेशन कर रखा है आपने. तो मास वेलोसिटी वी हैव व्हाट? यू साइन थीटा बाई क्यू बी. ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? एच इज द मैक्सिमम हाइट एक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर. तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह भी है 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2. इन प्लेस ऑफ g विल हैव टू प्लेस व्हाट? यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी था, तो एयर रेजिस्टेंस के प्रेजेंस में हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर रखा है. तो दैट इज व्हाट? क्यू ई नॉट बाई एम एन प्लस क्यू ई नॉट बाई 10 एम. ओके, तो हमारे पास हाइट का वैल्यू आ गया, दैट इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई इट इज 10 1 11 22 क्वी नॉट
बाई 10 m, तो 10 m हमारा ऊपर आ गया, इट इज 10 m. ओके, इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नाउ पुट दिस वैल्यूज हियर, तो व्हाट वी गेट, पुटिंग द वैल्यूज वी गेट T3 इज इक्वल टू 2m बाई क्यू ई 2r, यहाँ r की जगह हमने वैल्यू पुट किया, इट इज 2mu साइन थीटा बाई क्यू बी. ओके, एंड प्लस एच, एच वी हैव दिस वैल्यू, इट इज 5 एंड इट इज 11, इट इज 5mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वट 11 क्यू ई नॉट. इन प्लेस ऑफ बी वी हैव बी नॉट, यहाँ सब जगह ई नॉट और बी नॉट हमने लिया है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है. तो वो पार्ट आप खुद भी ये कर लीजिएगा, जैसे यहाँ ई नॉट है, ए नॉट, ओके, बी नॉट, ए नॉट, वो सब का ध्यान रखना है आपको. ओके, एंड हियर वी हैव क्यू ई नॉट बाय एम. ओके, तो ये हमने T1, T2 एंड T3 कैलकुलेट कर लिया. नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन वट यू एंड यू डैस. ओके, तो यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं वो इस पार्ट में करते हैं, यहाँ मैक्सिमम हाइट तक हमारा एयर रेजिस्टेंस है, तो इस पोजीशन पे हमें रेजिस्टेंस नहीं लेना है. अगर यहाँ एयर रेजिस्टेंस दिया होता कि एयर रेजिस्टेंस इज अप टू द मैक्सिमम हाइट एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल P1, तब आपको यहाँ से इस पार्ट तक एयर रेजिस्टेंस लेना है, फिर फर्दर इस पार्ट में एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना है. वो क्वेश्चन भी मैं फिर आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आप वो भी ट्राई करेंगे. ओके, तो ये हिंट मिल गया. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, putting all in equation 1, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, या from 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है, तो from equation 1, 2, 3, 4 and 5, we find the relation between u and u dash, u and u dash के बीच में easily आप relation को calculate कर सकते हैं. देखिए ये question मैंने calculation के लिए नहीं दिया है, this question has been given only for the concept. तो ये नहीं सोचिए कि अगर ये question या similar question IIT में आता है तो values वो इस तरीके से put करते हैं कि final result आप easily find कर लो. okay, तो मैंने ये question आपको सिर्फ concept के लिए frame करके दिया है. okay, now we have to find in the second part, you have to find the relative path of one particle with respect to what? The other. Okay? तो अगर आप second part में move करते हैं, origin से particles को project किया था. Okay. It is the position of the first particle at any time t, and it is the position of the second particle at any time t. इसका coordinate हमारे पास है, it is x1, y1. एट एनी टाइम टी ये पोजिशन आप फाइंड कर लोगे, और इसका कॉर्डिनेट वी हैव वॉट x2 एंड y2. तो वट इज द पोजिशन वेक्टर फॉर फर्स्ट पार्टिकल, r1. तो एट एनी टाइम टी पोजिशन वेक्टर फॉर द फर्स्ट पार्टिकल इज वट वी हैव x1 i कैप प्लस y1 z कैप. एंड सिमिलरली वट इज द पोजिशन वेक्टर फॉर द सेकेंड प्रोजेक्टाइल p2, इट इज फॉर p1 एंड फॉर p2 r2t. That is what x2 i cap plus y2 z cap. Okay, now see relative path means relative displacement r12, that will be equal to what? R1 माइनस R2. ये तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो. हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखना है कहाँ ये रेजिस्टेंस है कहाँ नहीं है. ओके, तो यू गेट द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एट एनी टाइम टी. अब ये कैसे फाइंड होगा कि ये जो रिलेटिव पाथ है इट इज़ स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ या कोई भी हमारा जो है पाथ है, तो इसके लिए जो है हमें चेक करना होगा. तो इफ़ द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज़ द लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, अगर ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम है, दैट मीन्स द रिलेटिव पाथ विल बी व्हाट? अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट लाइन में भी दो तरह का ये हो सकता है कि ये रिजल्ट आई और जे में आए, सिर्फ आई में आए या सिर्फ जे में आए. इफ द रिजल्ट इज कमिंग, ये हमारा प्लेन वाज व्हाट? एक्स जेड प्लेन.
तो आई और के में हमारा रिजल्ट है अगर रिलेटिव पाथ का, तो अगर आई और के में रिजल्ट है दैट मीन्स द रिलेटिव पाथ इज स्ट्रेट लाइन इन द एक्स जेड प्लेन। अगर आई में हमारा सिर्फ रिलेटिव पाथ है तो रिलेटिव पाथ इज स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्स कोऑर्डिनेट, अगर जेड में है तो रिलेटिव पाथ इज स्ट्रेट लाइन अलोंग व्हाट द जेड कोऑर्डिनेट। अगर लीनियर फंक्शन है, अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टाइम होगा देन द रिलेटिव पाथ विल बी व्हाट द पैराबोलिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, तो रिलेटिव पाथ विल बी पैराबोलिक। ओके, अकॉर्डिंगली हम फाइंड कर लेंगे। ओके, तो दिस क्वेश्चन वाज ओनली फॉर व्हाट द कॉन्सेप्ट, जो आज मैंने क्वेश्चन दिया है वो भी कॉन्सेप्ट के लिए, प्लीज आप ट्राई करेंगे। ओके, अब इसी पार्ट में एक और क्वेश्चन देता हूं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन u and u dash if a resistance for particle p1 is present up to the maximum height acquired। अगर मैक्सिमम एक्वायर्ड हाइट तक हमारा एयर रेजिस्टेंस हो, मीन्स यहाँ तक अगर एयर रेजिस्टेंस हो तब जो है हमारा और साइमल्टेनियसली हिट किया है, फिर फर्दर वही क्वेश्चन है, फिर हिट पॉइंट एम पे टी टाइम के बाद किया है, दोनों तो एक साथ हिट करते हैं तब हमारा यू और यू के डैश के बीच में क्या रिलेशन है। इसमें भी बच्चे एक गलती करेंगे, ठीक है, अब ये चीज़ समझ लीजिए, हिंट दे दे रहा हूँ। अगर ये रिटर्न टाइम में यहाँ से एयर रेजिस्टेंस गेन करता है तो एयर रेजिस्टेंस हमारा सिर्फ इस पार्ट तक है, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू द पोजिशन द मैक्सिमम हाइट एक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ से यहाँ तक एयर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ टाइम सपोज ये आया आपका टी थ्री और यहाँ एक टाइम आएगा टी फोर, देन कैपिटल टी विल बी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर कॉन्सेप्ट, और आईआईटी में इस तरीके का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं आएगा, ठीक है, वो हमेशा रिजल्ट्स इस तरीके से देंगे। यहाँ मैंने रिजल्ट्स नहीं लिया, बस क्वेश्चन को फ्रेम किया, अगर इस क्वेश्चन को प्रॉपर मैं रखूँ तो यहाँ रिजल्ट्स इस तरीके से पुट करूँगा कि किसी भी फॉर्म में जेनरेट हो सकता है, जैसे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, मैं किसी का एक पार्ट दूँ और जो है जो रिजल्ट आया उसमें वैल्यूज पुट करूँ तो ये इंटीजर टाइप भी हो सकता है, ठीक है, सिंगल करेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन बेस भी हो सकता है, तो एक ही क्वेश्चन से किसी भी तरीके का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ओके, तो प्लीज़ ट्राई द सेकेंड क्वेश्चन, फिर मैं कल थर्ड क्वेश्चन दूंगा और सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, हिंट एंड सॉल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है, थैंक यू।